इस वक्त की बड़ी खबर, 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हार जीत का अपडेट आपको बता दें। पहली खबर, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके जीत गई हैं। ऋतुजा लटके शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार हैं। दूसरी खबर है, बिहार के गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी जीत गई हैं। इन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। तीसरी खबर है, बिहार के ही मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी जीत गई हैं। इन्होंने बीजेपी की सोनम देवी को हराया है। वहीं यूपी के गोला गोकर्णनाथ से अमन गिरी की रिकॉर्ड जीत हुई है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हराया है। वहीं हरियाणा के आदमपुर से भव्य बिश्नोई जीते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की जीत हुई है हरियाणा की आदमपुर सीट से। तेलंगाना में टीआरएस उम्मीदवार की वहां जीत हुई है। वहीं ओडिशा में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खासे राहत वाले कहे जा सकते हैं। ये जो है आप लोग जीत की मिठाई जो है एक दूसरे को दे रहे हैं। बिहार में उपचुनाव काफी अहम थे क्योंकि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। एक सीट पर जीत मिली है और एक सीट पर आरजेडी उम्मीदवार जीते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कहां किसकी जीत हुई है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के मोकामा में नीलम देवी जीती हैं जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार को मोकामा में हार मिली है, लेकिन गोपालगंज में नतीजा उलट रहा, बीजेपी की कुसुम देवी जीती हैं। यहां बीजेपी को कामयाबी मिली है और बिहार बीजेपी के लिए बहुत अहम था क्योंकि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद पहली बार यहां लड़ रही थी बीजेपी। वहीं यूपी के गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। यहां अच्छी खबर आई है बीजेपी के लिए। अगर बात करें महाराष्ट्र की मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से ऋतुजा लटके इनकी जीत हुई है। ऋतुजा लटके के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, उम्मीदवार हटा लिया था। आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई की जीत हुई है बीजेपी के टिकट पर। भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उपचुनाव के में जीत हासिल की है भव्य बिश्नोई ने। तो बीजेपी के लिए नतीजे अच्छे कहे जा सकते हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और ये मुंबई की अंधेरी ईस्ट से जीतने वाली उम्मीदवार ऋतुजा लटके को मिठाई खिलाई जा रही है। ऋतुजा लटके जिनके पति की मौत के बाद वो इस सीट से उतरी थी और सभी पार्टियों ने उनको जिताने के लिए बीजेपी से भी, जो विपक्षी पार्टी है, वहां विरोधी पार्टी है शिवसेना की, उन्होंने उम्मीदवार हटा लिया। पति की जीत है, उन्होंने जो काम किया है विकास काम किया अंधेरी का, जो विकास वो उनका ध्येय था, ध्यास था, उसकी जीत है ये। मेरा परिवार मेरे साथ था इसलिए मैं आज आपको इधर खड़ी दिख रही हूँ। और सबसे जो पुण्याई थी वो मेरी पति की है और उसका ही विजय आज आपको।